Hello students, myself Srishti and I am here to teach you business communication. Hope you all are doing good and well, and please 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 be at home and stay safe. So now let's start with our lecture 3. In lecture 1 and 2 we have seen the meaning, the characteristics and the importance of communication, and in lecture 2 we have gone through the process or the elements of communication. Person should adopt for his or her communication to be effective. ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल एंड इफेक्टिव बनाने के लिए. सो लेट्स सी आर फर्स्ट पॉइंट इज establish a warm atmosphere. The atmosphere you create with your word and the gestures determines the effectiveness of your sermon. Avoid beginning with a negative tone, self-centered anecdotes or anything which betrays insecurity on your part. These focus the audience's attention on your needs, not theirs. Your non-verbal signals are also important because they communicate your general demeanor. Smiling at the people demonstrates openness and invites them to listen. Establish a warm atmosphere. आप जैसा भी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं खुद के वर्ड से, गेस्चर से, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस उस पर ही डिपेंड करती है. अब जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपसे जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम मिलता है तो मान लीजिए वो आपके साथ एक स्माइलिंग फेस के साथ बहुत ही ढंग से बात करता है, ढंग से ग्रीट करता है एंड ऑल, तो उसके जो फर्स्ट जो इमेज, जो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपके माइंड में बहुत ही पॉजिटिव पड़ती है. तो आपने गौर किया होगा कि उस इंसान से आपकी जो है फ्रेंडशिप भी स्पीड में हो जाती है बहुत, आप बातचीत भी कर लेते हैं, आपका कम्युनिकेशन भी उस पर्सन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बट यहीं पर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा है बट बहुत ही एक नेगेटिव अप्रोच के साथ, मीन्स नॉर ही और शी इज़ स्माइलिंग, ना वो आपसे ढंग से बातचीत कर रहा है, एक वो एटीट्यूड में है, तो उसे लेके आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा और आप जो है उससे इन फ्यूचर कम्युनिकेशन में भी आप जो है लाइट बहुत आप कह सकते हैं कि आप हेजिटेट करेंगे. क्यों? क्योंकि उसने आपसे एक नेगेटिव अप्रोच के साथ बात की है. आपके जेस्चर्स एंड ऑल ये सब भी बहुत ही नॉर्मल रहने चाहिए कहीं पर भी. जितना वार्म एटमॉस्फेयर आप स्टैब्लिश कर लेंगे आपका कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल रहेगा. क्योंकि अगर आपके साथ इंसान बात करने में फ्री है तो ही एंड शी कैन एबल टू कम्युनिकेट विद यू ऑन एनी टर्म्स. वो किसी भी वे से या किसी भी टाइप से आपसे ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है कि लोग आपसे बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए फ्री महसूस कर रहे हैं. तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल टू मेंटेन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ टू एस्टैब्लिश अ वार्म atmosphere so that the person who are going to communicate with you can feel free to communicate their issues, problems, feelings, ideas, opinions or whatever they want to communicate, they can easily be able to put that in front of you. Next point, actively engage the people's interest. Many of us use the techniques to engage the congregations that they believe are effective, but actually disconnect them from the listeners. Over-dramatization, excessive emotion and yelling focus listeners on your performance instead of your content. A conversational approach works better. Actively engage people's interest. अब जैसे कोई स्पीच दिया करता है, आप लोग कहीं भी जाया करते थे स्कूल के कोई फंक्शन में ऑल फलाना, तो आप देखते हैं कई लोग स्पीच दे देते हैं. अब जो लोग स्पीच में ऑडियंस का इंटरेस्ट भी शामिल करते हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट इन द सेंस कि वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें जो है ऑडियंस को इंटरेस्ट है, तो उनकी स्पीच को इंजॉय किया जाता है, उनकी स्पीच को लोग सुनते हैं.
अब यहीं पे मान लीजिए कोई एक टाइप की स्पीच दिया जा रहा है एक ही टॉपिक पे, अब ऑडियंस क्या कर्न करती है मैक्सिमम टाइम, लोग सोते हैं कि या तो फ़ोन चलाते हैं या न तो उठ के भागने लगते हैं या तो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो अपनी बात को रखने के लिए लिए इट्स वेरी करें। अब जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे जाके एक्सेस में आप ड्रामा कर रहे हैं, आप जो है एक्सेस में इमोशंस दिखा रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, तो लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे, वहाँ पर लोग आपके ड्रामे को देखेंगे। मीन्स आपके कंटेंट से ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस पे बात होगी कि यार कितनी ये ड्रामेबाज है या कितना ड्रामेबाज है, कितने ज़्यादा इमोशंस दिखा रही है। अब आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि अब जैसे मीडिया में भी न्यूज़ में भी कोई टाइम एक पर्सन को बहुत रोता हुआ दिखाते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो जो बोलता है या बोलती है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया करता। लोग क्या ध्यान देते हैं, यार कितना रो रही है, कितना ज़्यादा ड्रामा कर रही है। तो द थिंग इज़ लाइक दैट जब भी आप कोई भी बात करते हैं, आपको उन पर्सन का इंटरेस्ट जो है इम्पोर्टेंस दे। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी टाइम कोई एक यंगस्टर को या कोई भी बच्चा है, आप उसको कोई भी चीज़ आप समझाते हो, आप एक लॉन्ग स्पीच दोगे तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो आपकी बात को जो है इग्नोर करके वहाँ से चल देगा। यहीं पे आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स दोगे जो जिसमें उसको इंटरेस्ट है, तो वो आपकी बात को सुन के शायद उसको समझे। तो वेन एवर यू आर डूइंग कम्युनिकेशन विद समवन एंड यू वॉन्ट टू कन्वे योर फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, एक्सप्रेशंस, देन यू शुड एक्टिवली इंगेज दैट पर्सन इन इंटरेस्ट इन योर टॉपिक और दी थिंग्स दैट यू आर कम्युनिकेटिंग। मीन्स आपको उनका इंटरेस्ट जो है वो जगाना होगा, सामने वाले के इंटरेस्ट को देखते हुए उससे बात करनी होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बी बिलीवेबल, इवेल्युएट एवरी थिंग यू से फ्रॉम द पल्पिट विद दिस क्वेश्चन, इज इट बिलीवेबल? इफ़ यू कान बिलीव योर सेल्फ वेन यू से समथिंग, योर ऑडियंस वोंट बिलीव इट ईदर। वेन योर ऑडियंस डजेंट बिलीव यू, योर क्रेडिबिलिटी एंड देयर मोटिवेशन टू कीप लिसनिंग इवेपोरेट्स। स्पीकिंग विद द अथॉरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन स्पीकिंग द ट्रूथ। बी बिलीवेबल, आप एक विश्वसनीय पात्र बन के बात कीजिए। इन द सेंस जो भी आप बोलते हैं, जस्ट हैव दी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट दैट हाँ वट एवर यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्यूटली राइट। अब जैसे कि बहुत लोग ऐसे हवा में बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, फेंकता है या फेंकती है, कि हम यहाँ गए थे, यहाँ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, या हम भूत देखे एंड ऑल। सो मेक श्योर दैट वॉट एवर यू यू से यू हैव एन ऑथेंटिक नॉट बिलीवेबल पर्सन। जो भी बात कीजिए उसको एकदम जांच पड़ताल के, आप कहीं पे कोई न्यूज़ भी बोलते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट। आजकल आप लोगों ने देखा ही है कि जो है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कितनी फेक न्यूज़ रहा करती हैं। तो आप मान लीजिए इन न्यूज़ के को देख के आप कहीं पे भी बात करते हैं, तो बहुत से लोग जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो आपकी बात का विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि या तो ये बेवकूफ़ है या तो ये फेकू है। तो वट एवर यू आर सेइंग यू मस्ट हैव एन ऑथेंटिक इन इन्फॉर्मेशन और प्रूफ विद यू फॉर दैट, क्योंकि अगर आपकी बातों पे भरोसा नहीं हुआ तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी नहीं, आपकी इमेज भी डाउन हो जाएगी। तो जितना आप सच कहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बातों को लोग सुनेंगे और आप पे ध्यान देंगे। अब जैसे कि आपने एक स्टोरी बचपन में सुन रखी होगी कि गांव में एक जो है लकड़हार था, वो जो है रोज़ रात को जो है लकड़ियाँ काटने निकलता था, ठीक है। तो वो मजाकिया मूड का था, तो उसके माइंड में एक दिन हुआ कि मैं जो है मजाक करता हूँ गांव के लोगों के साथ। आ गया,
कि हाँ शायद शेर आया है, चलो लेट्स हेल्प 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 हिम आउट, ठीक है। बट जब सब बाहर आए तो दे सॉ कि यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है, शेर नहीं आया है, और ये जो लड़का था ये हंस रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये क्या बात है, तो वो कहा कि नहीं मुझे ऐसे ही फील हुआ कि मैं मजाक कर लूँ आप लोग के साथ, तो मैंने ऐसे ही किया। तो सब उसको डांट के लौट गए। उसके बाद कुछ दिन बाद उसको फिर से यही चीज़ फील हुई कि जो जो है फिर से यही चीज़ करते हैं। फिर से वो चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, सब बाहर आ गए दौड़ के कि उसको बचा लें। फिर से यही यही चीज़ हुई, तो फिर से इस बार सब उसको और डांट के लौट गए। फिर एक दिन रात को वो जब जा रहा था तो सही में शेर आ गया, और जब वो बहुत तेज़ से चिल्लाया कि शेर आया बचाओ, तो नो वन केम आउट, जस्ट बिकॉज उस पर किसी को विश्वास ही नहीं था। वो ऐसा किया था कि लोग उस पर जो है विश्वास ही नहीं कर पाए, और वो शेर के हाथ तो वो मारा गया। सो जस्ट मेक श्योर दैट डोंट क्रिएट सच काइंड ऑफ जोक्स एंड ऑल। जब भी आप बात कीजिए इट शुड बी बिलीवेबल कि लोग आपकी बात पे ट्रस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीक विद योर ओन वॉइस। लिसनर्स विल डिसंगेज फ्रॉम अ स्पीकर हु यूजेस बिग वर्ड्स टू इम्प्रेस हिज ऑडियंस, और हु अपीयर्स टू चूज वर्ड्स फॉर द सेक ऑफ साउंडिंग गुड। इफ योर लिसनर्स इज कॉन्शियस ऑफ योर वॉइस, इट इज़ अ डिस्ट्रैक्ट। शुड कंटेन फायर, कन्विक्शन एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट वॉट्स हैपनिंग इन योर माइंड। लिसनर्स विल डिसंगेज फ्रॉम अ स्पीकर हु यूजेस बिग वर्ड्स टू इम्प्रेस हिज ऑडियंस, और हु अपीयर्स टू चूज द वर्ड्स फॉर द सेक ऑफ साउंडिंग गुड। नो डाउट, जैसा कि आई सेड टू यू ऑल कि जब भी आप कोई से मिलते हैं कहीं भी, यू शुड हैव एन स्माइलिंग फेस एंड शुड टॉक इन अ गुड वे एंड यूज़ गुड वर्ड्स। बट गुड वर्ड शुड बी ऑफ योर ओन, वो आपके खुद के वर्ड्स। और बहुत लोग क्या किया करते हैं कि जो है लोगों के बीच में अच्छा बनने के लिए बहुत ही मीठे वर्ड्स चूज़ करते हैं जो कि उनके पर्सनालिटी पे सूट नहीं करते हैं। साफ लगता है कि वो लोग किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। तो ऐसे पर्सन्स की भी जो है बहुत दिन दिन तक रेपुटेशन नहीं रहती है, इमेज नॉर्मल नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ करता है कि जब तक आप खुद को नहीं दिखाएंगे बाहर, मीन्स व्हाट यू आर, टिल दैट टाइम नो वन इज़ गोइंग टू लिसन टू यू। आप किसी की एक्टिंग करते हो, आप किसी को फॉलो करते हो, दैट्स गुड, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अपनी हर बात और लाइफ के हर टाइम आप जो है उनको ही एक्ट करते रहोगे। नो, कहीं कहीं पे यू हैव टू शो योर सेल्फ दैट व्हाट यू आर एंड व्हाट योर थिंकिंग इज़, कि आप क्या सोचते हो। हर टाइम किसी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा बोलना एंड ऑल विल नॉट बी गुड। अब जैसे कोई बॉस है, अब उसके दो एम्प्लॉयज़ हैं मान लो, ठीक है। एक एम्प्लॉय उनका एप्रिसिएशन भी करता है जब वो अच्छा काम करते हैं, और जब वो कोई रॉन्ग स्टेप लेते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो लड़ता है उनसे, इंसल्ट करता है। बट हाँ, इन अ प्रॉपर बंद बताइए। अब यहीं पे एक एम्प्लॉय है मान लो जो कि अपने बॉस की हर टाइम पे एप्रिसिएशन करता है, चाहे वो बॉस कितना भी रॉन्ग क्यों ना हो। तो एक टाइम आएगा कि बॉस उसी को अपने साथ में रखेगा जो कि बॉस बॉस के अपने हर पॉइंट में, चाहे वो अच्छा हो तो अच्छा कहेगा, खराब हो तो वो खराब कहेगा। क्यों? क्योंकि बॉस को भी एक ऐसे वन पर्सन की नीड है जो कि उनको सही राय और गाइडेंस दे। तो हम लोग को हम हमेशा स्पीक विद आवर ओन वॉइस करना चाहिए। क्यों? जिससे कि हम लोग खुद को दिखा पाए कि व्हाट वी आर, हर टाइम पे किसी की भी जो है एक्टिंग या किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज द गेस्चर्स वेल। द इफेक्टिव यूज ऑफ गेस्चर्स री इन्फोर्सेज वॉट अ पास्टर सेज, एज विद द वॉइस गेस्चर शुड रिप्रेजेंट वॉट इज हैपनिंग इन द माइंड। गेस्चरिंग ऑल्सो इंक्लूड्स लुकिंग एट द पीपल एज यू टॉक, योर आइज आर ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज योर वॉइस। अब आप किसी से भी बात करते हो, मान लो आप गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो,
और आपका मुंह एकदम सीरियस है, तो व्हाट दैट पर्सन विल थिंक कि या तो आपने जानबूझ के गुड गुड मॉर्निंग कहा, आपकी इच्छा नहीं थी बट आपको जानबूझ के करना हुआ, या तो यू आर नॉट इन गुड गुड मूड, या तो वो कहेगा कि इसका बिहेवियर ही आई थिंक ऐसा है. सो वेन एवर यू आर सेइंग समथिंग, योर गेस्ट शुड ऑल्सो सपोर्ट दैट. योर गेस्ट शुड सपोर्ट योर वर्ड्स दैट यू आर सेइंग. मीन्स जब आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस. जब आप गुस्से में हो तो योर गेस्ट शुड बी क्वाइट बैलेंस कि हाँ लोग जान जाए कि यू आर इन अ सॉर्ट ऑफ माइंड. नॉर्मल इन द सेंस कि हाँ आपको गुस्सा भी है बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करता है उसको लोग ठीक नहीं मानते हैं. तो जब भी आप बात करते हो आपकी आईज भी आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश कीजिए. आई टू आई कॉन्टैक्ट इज नॉट लाइक दैट कि आप एक बहुत ही वियर्ड वे से आप किसी को देख रहे हैं. नो, when you are talking your eyes should be normal and you should maintain eye to eye contact. क्योंकि ये चीज़ कही जान जाती है कि जो लोग eye to eye contact maintain करते हैं उनका confidence level बहुत high दिखता है. So last point, remember that your knowledge is limited. You may be tempted to appear to know more than you do. Always keep in mind that someone in your audience may know more than you do about your topic. Honestly communicate what you know. जैसे कि कहा जाता है आधा ज्ञान किसी भी चीज़ का बहुत ही खतरनाक होता है. तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको कोई चीज़ का है, कोई और पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको आपसे ज़्यादा ज्ञान हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर. सो अगर आपको किसी भी चीज़ में कम ज्ञान है तो डोंट शो दैट कि आपको सब आता है, बिकॉज जब आपका वो पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा तो आप जो है कुछ नहीं बोल पाओगे, या बोलते भी हो तो आपकी बात को काट दिया जाएगा. सो वाइल कम्युनिकेटिंग ऑलवेज मेक श्योर कि सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी उससे बोल दो वो मान ले. हो सकता है आप जिस टॉपिक पे बोल रहे हो वो आपसे ज़्यादा जानता हो, तो इसीलिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर पूरी नॉलेज लेकर यू शुड कम टू द फील्ड. और ये फिर भी नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ आप ही को मैक्सिमम आइडिया है. द पर्सन विद होम यू आर टॉकिंग माइट हैव the knowledge more than you on this particular topic. So normally बात कीजिए audiences से, जो भी replies आ रहे हैं and all उसको भी entertain कीजिए, क्योंकि audience भी बेवकूफ़ नहीं है, they must be knowing about your topic also. So जब भी बात कीजिए ये मान के बात कीजिए कि you are not the one who is knowing about this particular topic. There are some other persons also who might know more than you about this particular topic. So please communicate as per that only. So with this we come to an end to lecture 3 also. So first of all we have seen establish a warm atmosphere. ये ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिससे कि लोग आपसे बात करने के लिए फ्री महसूस करें. Next is actively engage the people in और वो आपकी बातें ही ना सुने. बी बिलीवेबल, ऐसे अपने आप को प्रेजेंट कीजिए कि लोग आपकी बातों पर विश्वास करें और आपकी बातों को माने कि हाँ ये बोल रहा है तो ऐसा ही होगा. स्पीक विद योर ओन वॉइस. हमेशा किसी को खुश करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए बात मत कीजिए. अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज रखिए और किसी को हर टाइम एक्ट मत कीजिए. Use the gestures as well. जब भी बात करते हैं just make sure that your eyes, your expressions and your body language support your words. आप जो भी बात कर रहे हैं आपके expressions भी वैसे ही होने चाहिए.
एंड द लास्ट पॉइंट इज रिमेंबर दैट योर नॉलेज इज लिमिटेड. आप किसी भी टॉपिक पे बोलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट टॉपिक एंड देन ऑल्सो डोंट थिंक दैट योर नॉलेज इज मोर देन एवरी वन और यू आर द ओनली वन हु इज हैविंग नॉलेज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. देर माइट बी सम पर्सन्स हु नो मोर देन यू ऑन दिस टॉपिक. सो जस्ट थिंक दैट योर नॉलेज इज लिमिटेड एंड जो सामने वाला है वो भी बेवकूफ़ नहीं है. ही और शी माइट ऑल्सो नोट नो अबाउट योर पर्टिकुलर टॉपिक. सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू न्यू टॉपिक. सो टिल दैट टाइम टेक केयर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.